पर यू तुम बच्चों के रूप में तभी इस संडे की याद को मिटाने वाली छड़ी का तुम पर असर नहीं हो रहा। हाँ, और बड़ी ही आसानी से हम नहीं बल्कि तुम हमारी चाल में फंस गई हो नुकीली परी। तुम्हें क्या लगा था कि खेल सिर्फ तुम्हें ही खेलना आता है नुकीली परी? जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम तुम्हें उनसे उनके प्रिय संडे की याद नहीं छीनने देंगे। नुकीली परी जो एक बार ठान लेती है वो करके रहती, इसीलिए इन बच्चों के दिमाग से मैं संडे की याद को मिटा कर रहूंगी। सच्चाई फैले तीनों लोक तक, ये वार जाए बीच में ही भटक। तुमने अपना वार कर लिया, अब हमारा वार सहो। मैं नुकीली परी से उसकी याद की जो छड़ी छीन लेती। सच्चाई में होती है शक्ति बड़ी, आ जाए मेरे पास ये छड़ी। इस समय समझदारी यहाँ से बचकर निकलने में ही होगी, वरना ये सब मुझसे ये याद खींचने वाली छड़ी छीन लेंगी। नुकीली परी! ये नुकीली परी तो इस बार हमसे बचकर भाग गई, लेकिन वो बच्चों को जरूर नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए हमें हर पल बच्चों पे नजर रखनी होगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस बच्चे पे वार करने वाली है? अब सिर्फ चार ही बच्चे बाकी हैं, इसलिए मैं और भटकाती परी मानव, सचिन और सलोनी के पास जाएंगे, और विषधार परी आप मोंटू के पास जाएंगे। ठीक है। मैंने बोला ना कि संडे होता है, होता है, होता है। मैंने बोला ना कि तू मोटा है, मोटा है, मोटा है। अरे बॉस, इसके कहने का मतलब है कि संडे नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ। पता नहीं तुम्हारी मेमोरी को क्या हो गया है। बॉस, हमारी मेमोरी को कुछ नहीं हुआ है, हमें अच्छी तरीके से याद है कि आप एक नंबर के मोटे हो और हाथी हो। हाँ बॉस, और वो आप ना स्कूल में हमेशा लास्ट आते हो और हर टीचर से डांट खाते रहते हो, बाल्यों से मार खाते हो और हमको पिज्जा बर्गर खिलाते हो। हाँ। वैसे भी हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। कुछ भी संडे संडे करते रहते, चल मोटा कहीं का। सब बच्चों की तरह ये भी भूल गए कि संडे होता है। कैसे? नुकीली के नोक से तुम भी नहीं बच पाओगे, बस थोड़ी देर में संडे को तुम भी भूल जाओ। रोहित केवल भी भूल गए कि संडे होता है। अरे यार, कैसे भूल गए ये? क्या हुआ? अरे यार, वो ना मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं समझ में आ रहा है?
वो ना। क्या हुआ? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ अलग ही देख लिया हो। कौन हो तू? मैं हूँ जादूगर कोगी। तुम्हें उस अल्लू है? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। ये देखो, मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हें उल्लू बनाना है ना? देखो वहाँ पे बच्चे खेल रहे, तुम जाकर उन्हें उल्लू बना। मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, यकीन मानो इस बात पे कि मैं जादूगरनी हूँ और इसका एक नमूना मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अब एक बात बताओ, तुम्हें खाना पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। ए मेरी जादुई अंगूठी, कर दे ऐसा कमाल कि यहाँ हो जाए धमाल, यहाँ इनके लिए आ जाए मिठाई। मिठाई? क्यों, अब हुआ यकीन तुम्हें? हाँ हाँ, बट पहले मुझे छुके उसे चेक करना है। करो। अरे ये तो असली है, खाके चेक कर सकता हूँ? कर लो। बस, बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें सब धूप लग रही है? बहुत धूप है। तुम्हारे लिए छाता लाऊं? ए मेरी अंगूठी, कर दे ऐसा कमाल कि यहाँ हो जाए धमाल, इसके लिए छाता आ जाए। अरे वाह, लाओ। ये अंगूठी ना मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी के पास होनी चाहिए थी। ये कौन है? तुम मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी को नहीं जानती? मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी को नहीं जानती? नहीं, वो मैं यू। हाँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। तो तुम्हें ये अंगूठी चाहिए? हाँ हाँ। तो ठीक है, ये लो। हाँ हाँ हाँ, लेके जादूगर गोगी अपनी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देती, तो इसलिए तुम्हें भी कोई चीज मुझे देनी पड़ेगी। तो ठीक है, बोलो क्या चाहिए। कॉमिक्स, वीडियो गेम, पिज्जा, पाइनएप्पल। अरे ये सारी चीजें तो मैं इस अंगूठी से भी ला सकती हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये अंगूठी दे दो। ए, 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 पागल हो गई है क्या? मैं तुम्हें अंगूठी नहीं दूंगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये अंगूठी मुझे नहीं देनी है तो ये अंगूठी भी भूल जाओ। बेवकूफ मत बन मोंटू, और ये जादुई अंगूठी मिल गई तो इस अंगूठी से पुराने वाली सेम टू सेम अंगूठी आ सकती है। एक मिनट। हाँ, तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? हाँ। ले लो। पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही विशाल और घना भी। अब मैं इसमें भयंकर परी को कहां ढूंढूं? पता नहीं और कितना समय लग जाएगा मुझे।
लेकिन चाहे जितना भी समय लग जाए मुझे भयंकर परी को ढूंढना ही होगा और संडे को बचाना होगा। खतरू पक्षी कौन हो तुम? मैं हूं नुकीली परी जिससे बचने के लिए बालवीर ने तुझे यह अंगूठी दी थी। बेवकूफ मैं इडियट हूं, मैं गधा हूं, सब कुछ हूं। नुकीली परी छोड़ दो मोंटू को। नुकीली के नोक में जो एक बार फंस जाता है वो फिर नहीं छूटता। तो ठीक है, मेरा वार अब मोंटू को बचाएगा। अब वार करने की बारी मेरी है। एक और पड़ाव पूरा। कहाँ हो बालवी? अपने बच्चों के प्यारे संडे को बचाने नहीं आओगे? मुझे स्थाई में वापस गिराना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं स्थाई में गिर गया तो पता नहीं आसमानी पर्वत को वापस करने में मुझे कितना समय लग जाएगा। बिचारी सलोनी कब से संडे का इंतजार कर रही थी कि संडे आएगा और उसका बर्थडे भी आएगा, पर अब तो संडे गायब हो गया। चलो देखते हैं कि मंडे में कितने दिन बाकी है। 1 2 3 4 5 ओके, 5 दिन बाकी है मंडे के लिए। बालवीर ने संडे को बचा लिया है। संडे वापस आ गया।
अरे तू क्या बोल रही है, देख यहाँ पर संडे वापस आ गया, देख। अरे पुराने स्टाइल में संडे के साथ कैलेंडर मैंने बनाया ताकि मुझे मेरा बर्थडे संडे को ही दिखाई दे। क्या सलोनी, तू भी पूरा मूड खराब कर दिया। कहाँ जा रहा है? पानी पीने जा रहा हूँ। तू पानी पीने जा रहा है ना, तू कुछ खाने के लिए ले आना, बहुत भूख लगी है। हाँ बिस्किट लेकर आ। नहीं नहीं, और मम्मी ने जो खीर बनाई थी ना वो ले आना। नहीं बिस्किट, नहीं खीर, बिस्किट। एक मिनट, एक काम करो, तुम लोग रहो और मैं पानी पी के आता हूँ। नटखट परी, हम भी सचिन के साथ जाते हैं, उस नोकेली परी का कोई भरोसा नहीं, वो वहाँ भी आ सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भटकाती परी, आप जाइए सचिन पे नजर रखिए। हाँ। बस तीन बच्चे इस नुकीली के नोक से बचे और ये तो बहुत अच्छा है कि तीनों बच्चे मुझे इसी घर में मिल जाएंगे। अब मैं यहां से अपना काम पूरा करके ही जाऊंगी। काम है? अरे आज तो घर पे सिर्फ मैं और बच्चे, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे तो घर का सारा काम हमेशा मैं ही पूरा करती हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। हाँ कार्य तो नुकीली भी अपना अधूरा नहीं छोड़ती है और इस बात का घमंड मुझे है। मेरे कार्य को पूरा होने के लिए तुम्हारा बेहोश होना बहुत जरूरी था। हट्टा माजी फटकली, क्या खाना है इस पे भी बहस। मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है।
किया है। सात संडे के खेलते थे हम दन दना दन, सात संडे के खेलते थे हम दन दना दन, पर लग नहीं रहा उसके बिना अब हमारा मन। मैं हर समय संडे पे गुस्सा करता रहता, पर अब वो आएगा तो मैं उस पे दोबारा कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी नहीं। बड़े भैया, मायूसी नहीं पर कहना है वही, एक पल के लिए हमारे संडे को हम हमसे कभी दूर नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। एक बार आने दो उसे, मैं उसकी इतनी दो 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 दुलाई दुलाई नहीं दो दो दवा पानी दो देखभाल। हाँ, इतनी देखभाल करूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। उसे हमेशा पूछता रहूंगा कि वो ठीक तो है ना, उसे कुछ चाहिए तो नहीं ना। या ब्रो, बस हमारा लाडला भाई संडे हमें वापस मिल जाए। तुम ठीक हो ना संडे, लौट आओ, जल्द से जल्द लौट आओ। हम सब भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लौट आओ संडे, लौट आओ, लौट आओ ब्रो, जल्दी से वापस लौट आओ। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, आपका भाई आपसे कभी नहीं बिछड़ेगा। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। बालवीर गया है ना संडे को बचाने, और आप सब तो जानते ही है ना कि बालवीर कभी नहीं हारता। और इस बार भी वो नहीं हारेगा। पर हमें तो डर है कि बालवीर आसमानी पर्वत पर चढ़ पाया भी होगा या नहीं। लेकिन आसमानी पर्वत पर चढ़ने के बाद भी बालवीर को कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं, लेकिन बालवीर सारे खतरों को पार करके संडे को बचाकर ले आएगा। और हमारे चेहरे पे फिर से मुस्कान आएगा। आग तो मेरे बहुत करीब आ गई है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा और इस आग से बाहर निकलना होगा।
पक्षी की शक्ति इसके मुंह से निकलती हुई आग है, तो अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसकी शक्ति को छीनना होगा। खटपरी, देर ना हो संडे के बचने में, बन जाए खतरु पक्षी रस्सी के फंदे में। और अच्छाई के रास्ते में आने की बुराई को यही सजा मिलती है। आई तुम, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि कोई बुरी परी है। नहीं नहीं आई, पर मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। तो साफ कर लो। ठीक है, ताकि मैं तुम्हारी सुरक्षा अंगूठी साफ कर सकूं। यहाँ पे खतरे की कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ सचिन और उसकी माँ ही है, लेकिन नोकीली परी कभी भी यहाँ आ सकती है, इसलिए हम घर के बाहर जाकर सुरक्षा कवच लगा देते हैं। जैसे ही नुकीली परी आएगी, सुरक्षा बोपो बजने लगेगा और हमें यहां पता चल जाएगा। अब तुम इस जादुई कपड़े से हाथ पोछोगी और ये कपड़ा तुम्हारी सुरक्षा अंगूठी निगल जाएगा। कहाँ है सचिन? ये लो, इससे हाथ साफ कर लो। बचना इतना आसान नहीं है। भूल जाए ये संडे को हमेशा हमेशा के लिए।
बस दो कदम और संडे के अस्तित्व को समाप्त होने में, दो नहीं सिर्फ एक कदम। तुम्हारा अस्तित्व समाप्त होने में। बालवीर, तुम यहां, तुम आसमानी पर्वत भी चढ़ गए? हाँ भयंकर परी, मैं यहां और मैं अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए एक आसमानी पर्वत क्या, सात आसमानी पर्वत चढ़ सकता। और वैसे भी जहां जहां तुम्हारी बुराई जाएगी वहां उसे समाप्त करने के लिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। था कहां मैंने आपको परी भयंकर, कि नहीं छूटेगा बुराई का पीछा कभी आपसे, चाहे जाओ आप कहीं भी। हाँ, पर इस बार समाप्त तुम और बच्चों की खुशियां होंगी। मेरे रहते बच्चों की खुशियां कोई नहीं छीन सकता। तो ठीक है, अब संडे से पहले मैं तुम्हें समाप्त करूंगी। सचिन, तुझे इतना टाइम क्यों लग गया किचन से आने में? मुझे तो लगा कि तू भी संडे की तरह गायब हो गया। अरे ऐसे कैसे मैं संडे की तरह गायब हो सकता हूँ? भटका दी परी, सब कुछ ठीक है। और वैसे ये संडे क्या, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। ये सचिन संडे को कैसे भूल गए? सचिन तू मजाक मत कर। मजाक? अरे मजाक मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, मजाक तो तुम लोग कर रहे हो। खुद बोला कि संडे होता है, लेकिन बोलो तो सही कि संडे क्या होता है। सचिन तुझे संडे याद नहीं है? हा? अरे मैं तो ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। नटखट परी, ये सचिन ऐसा क्यों बोल रहा है? पता नहीं भटका दी परी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाने से पहले तो सचिन को संडे अच्छे से याद था। अब बताओ नहीं संडे क्या होता है, कहाँ सुना तुम दोनों ने ये वर्ड? सचिन प्लीज अब तू ऐसे मत बोला कि तू संडे भूल गया है। हाँ? अरे इसमें भूलना क्या है, मैं तो ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। अरे सचिन तू संडे कैसे भूल सकता है, ये देख संडे एक डे है, देख। भटकाती परी, कहीं उस नुकीली परी ने सचिन से संडे की याद तो नहीं छीन ली? ऐसा कैसे हो सकता है नटखट परी, हमने खुद घर के बाहर सुरक्षा कवच लगाया है और घर के बाहर भी सिर्फ सचिन और सचिन की माँ ही थी। ये कैसा गैंडर है, ऐसे कैसे तुम लोग अपनी ये मर्जी से संडे मना सकते हो? मर्जी से? फेंको इस कैलेंडर को और अपना पुराना वाला कैलेंडर लगाओ जिसमें सलोनी तुम्हारा बर्थडे मंडे को है। सचिन मेरा बर्थडे संडे को ही है और संडे को ही होगा। हाँ। अरे संडे नहीं होता है। अरे संडे होता है। अरे नहीं होता है। होता है। संडे डे है। परियों का वार अपने ऊपर लेने के बाद मैं परियों की गंध को महसूस कर सकती हूँ और मुझे यहाँ परियों की गंध आ रही है। कहीं वो परिया यहाँ तो नहीं?
बच्चों, चलो चलो नाश्ता करने चलो। ठीक है। अरे ये क्या, ये कमरा कितना गंदा किया हुआ है। सॉरी आई, हम अभी साफ कर लेते हैं। नहीं नहीं रुको, तुम रहने दो, मैं साफ कर लूंगा। तुम जाओ टेबल पे बैठो। ओके ओके। मुझे उन्हें ढूंढना होगा और अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना वो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। वाह शाबाश परी भयंकर, कर दो खत्म इस बालवीर को। अभी नहीं, अभी तो इसे खुद अपनी आंखों के सामने ने प्यारे संडे को, मिटते हुए देखना है। और फिर अपने आप को भी। तुम संडे को बचाने आए थे बालवीर, लेकिन अब तुम खुद इस चट्टान से नहीं बचोगे। रही परियां, अभी इन्हें कैद करती हूँ। ये सब कैसे हो गया भटकाती परी? कुछ समझ नहीं आ रहा नटखट परी, हमें रानी परी को बताना चाहिए। हाँ नुकीली परी? तुम्हें क्या लगा तुम नुकीली की नोक से बच्चों को बचा लोगी? नहीं, अब तुम यहां कैद रहोगी और मैं बाहर सचिन की तरह मानो व सलोनी के दिमाग से भी संडे की याद को मिटा दूंगी। नहीं नुकीली परी, तुम ऐसा नहीं करोगी। बड़ा ही आनंद आ रहा है मुझे इस खेल को देखने में। देखते हैं पहले कौन मिटता है, बालवीर तुम या फिर बच्चों का प्यारा संडे। लेकिन सचिन तुझे सचमुच संडे याद नहीं है? मैंने कहा ना कि मुझे संडे के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर तो अचानक संडे को कैसे भूल गया? सचिन, वो मैंने बाहर सुबह कुछ सुखाने के लिए रखा था, जाके ले आओ।
खाना खाने के बाद ले आऊं? अभी लाओ। ओके। तुम लोग भी जाओ। कहाँ? बाहर? खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं ना? ना। चलो, चलो। अरे मानव, आई कहती है खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। अभी मैं इस मामूली साबुन को मायावी साबुन बना देती हूँ। अब इस मायावी साबुन से हाथ धोते हैं, तुम्हारी सुरक्षा अंगूठियां फिसलकर नीचे गिर जाएंगी। तुम्हारी सुरक्षा अंगूठियां गिरी नहीं बल्कि मैंने गिरवाई है। तुम कौन हो ना? तुम? मैं नुकीली परी हूं। मैं ही हूं वो जिसने तुम सब बच्चों के दिमाग से संडे की याद को मिटाया है, और अब संडे को भूलने की बारी तुम दोनों बच्चों की है। बचा! आई! बचा! आई! कोई है? चिल्लाओ और चिल्लाओ अपनी मदद के लिए, लेकिन यहां कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुन सके और तुम्हें नुकीली के नोक से बचा सके। भलाई बस इसी में है कि खुद ब खुद बाहर निकल जाओ।
क्योंकि नुकीली के नोक से तुम लोग बच नहीं सकते। तो बहुत खतरनाक है, अब हम क्या करें? हम कर भी कह सकते, हमें तो बस अंधेरे का फायदा उठा के उससे बचना चाहिए। और अगर उसने हमें पकड़ लिया तो फिर वो हमारे भी संडे की याद भुला देगी। अंधेरे का फायदा उठाकर तुम लोग नुकीली से छुप नहीं सकते। आई बाहर तो कुछ भी नहीं है। सुबह करके इस घर से निकलना होगा। पानी लेता हूँ, प्लीज तू शांत रह, प्लीज मैं कुछ करता हूँ, प्लीज तू शांत रह, प्लीज प्लीज। रुक जाओ। मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे छुप नहीं पाओगे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए संडे को। तोपा तोपा बचा अपनी जान। हाँ।
वाह नुकीली परी वाह। नुकीली परी अपना काम बखूबी कर रही है, बस एक कदम और फिर संडे का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त। संडे का नहीं, उससे पहले तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखते हैं मेरे पास समय ज्यादा है या फिर संडे के पास समय कम। मानव भी संडे को भूल गया, अब वो मुझे ही पकड़ने के लिए आएगी। क्या करूं क्या करूं। हाँ एक काम करती हूँ, मैं रूम में जाके छुप जाती हूँ और अंदर से रूम लॉक कर देती हूँ। बस एक बच्ची बची है। मम्मी, पापा। शुक्र है सलोनी ठीक है। भटकाती परी, हमें सलोनी को आवाज देनी चाहिए, शायद वो हमारी आवाज सुन ले, हमारे ऊपर से ये कवच हटा दे। आप सही कह रही हैं। सलोनी, 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 हमारी आवाज सुनो सलोनी। ये नुकीली परी भी यहाँ आ गई है। गौर से देखो संडे को बालवीर। बस एक और बच्चे की याद देनी है और फिर संडे हमेशा हमेशा के लिए बर्फ में जम जाएगा। और फिर तुम चाह कर भी अपने प्यारे संडे को कभी वापस नहीं ला पाओगे। नहीं भयंकर परी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे पास संडे को बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं है भयंकर परी, इसलिए अब मैं ज्यादा समय तक तुम्हें अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। तुम्हें नुकीली के नोक से कोई नहीं बचा सकता। कहां छुपी हो प्यारी बच्ची, निकलो बाहर। छोटी सी बच्ची। छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम संडे को बचाने आए हो ना बालवीर। मैं संडे को ही इस पर्वत में दफना देती हूं। संडे
अब संडे इस आसमानी पर्वत पे हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और वहां धरती पर नोकीली परी को इतना समय मिल जाएगा कि वो एक आखिरी बच्चे से संडे की याद को मिटा दे। और जैसे ही उस बच्चे की याद से संडे मिट जाएगा, संडे यहां आसमानी पर्वत पर हमेशा हमेशा के लिए जम जाएगा। अब तुम भी संडे को भूलने के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या करेंगे? किसी भी तरह इस धरती में समाने से रोकना होगा। हाँ। हे रानी परी, संडे जमीन के अंदर समाने से बच जाए, पिघलती हुई बर्फ फिर से जम जाए। छीनने देंगे नहीं परियों, अब तुम दोनों नोकीली के नोक को नहीं रोक पाओगी। दो नहीं तीन। विजार परी तुम? हाँ हम। अब वार करने की बारी हमारी है। मैंने संडे को तो जमीन में धसने से बचा लिया, लेकिन संडे के ऊपर जमी हुई बर्फ तभी पिघलेगी जब पृथ्वीवासियों को संडे की याद वापस मिल जाएगी। मैं इसे परीलोक लेकर जाता। Thank you.
बुराई का अंधेरा मिटते ही अच्छाई की रोशनी भी आ गई। हाँ, और नुकेली परी सलोनी के संडे की याद भी मिटा नहीं पाई। हाँ परी, लेकिन अब हमें इस छड़ी को लेकर तुरंत परीलोक जाना चाहिए। लेकिन नटखट परी यहाँ बाकी सब? आप इसकी चिंता मत कीजिए भटकाती परी, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो किसी को याद नहीं रहेगा। बुराई से हो जाए सब आजाद, आज जो कुछ भी हुआ है वो ना रहे किसी को याद। शुक्र है बालवीर, तुम संडे को भयंकर परी से बचाकर ले आए, और हमने भी सलोनी की संडे की याद को मिटने नहीं दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ नटखट परी। लेकिन संडे तो अभी भी बर्फ में जमा हुआ है बालवीर। हाँ, और संडे को ठीक करने के लिए मुझे पृथ्वीवासियों की संडे की याद वापस लौटानी होगी। तो बालवीर बिल्कुल भी देर मत कीजिए, नटखट परी आप याद की छड़ी बालवीर को दे दीजिए। जी रानी परी। ये लो बालवीर। बालवीर, भयंकर परी ने सबकी संडे की यादें इसी छड़ी में बंद करके रखी। शुक्रिया नटखट परी कि आप इस छड़ी को लेकर आए। अब मैं इस याद खींचू छड़ी की मदद से पृथ्वीवासियों की संडे की याद वापस लौटा दूंगा। इरशाद कब आएगा तू मेरे मेरे नन्हे भाई? देख अपने भाइयों के चेहरे पे ये कैसी मायूसी छाई।
संडे। भैया मेरे भाई संडे आज बहुत खुश हूं। मिलके संडे मेरे भाई आ गले लग गया। दिल गा के सुनाएंगे हम तो संडे मेरे भाई ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियां बांटेंगे हम हर गम मिलके सहे फिर क्यों आंसू बहे। तुम्हें बहुत मिस किया लाइक नेवर बिफोर। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया परियो। आप सब नहीं होते तो हमें हमारा लाडला भाई संडे कभी नहीं मिलता। हम सबका आप सबको प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। संडे को पृथ्वी लोक के बच्चे इतना प्यार करते हैं तो फिर मैं संडे को कुछ कैसे होने दे सकता था। लेकिन हाँ संडे को अभी भी एक काम करना बाकी है। मिटा था जो संडे आ जाए वो वापस। हेलो हेलो मानव मेहर कैसी है तू। मैं ठीक हूँ। मेहर तुझे पता है हम सब तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ मैं भी बस कल आ जाऊंगी तो बहुत मस्ती करेंगे। हाँ अच्छा जल्दी से सलोनी को फोन दे मुझे उसे विश भी तो करना है। ठीक है मैं भी उसे फोन देता हूँ। सलोनी सलोनी जल्दी आ।
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Saloni, happy birthday to you. Thank you ma'am, thank you so much. पता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने मुझे फोन किया, पर और भी अच्छा लगता कि तू हमारे साथ यहाँ होती। हाँ मैं भी यही चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, तू पार्टी के पिक्चर्स और वीडियो रिकॉर्ड करके रखना, और हाँ केक बचा के रखना, भूलना मत, मैं कल आऊंगी तो खाऊंगी। हाँ हाँ पक्का। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू सलोनी। मानव मामुलाइजा होशियार। अभी किंग बन जाइए। अरे मुझे किंग बनने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी किंग हूँ। हैं? मतलब इस घर का? हाँ। हाँ। मैं छोटा किंग, मैं छोटा किंग, मैं छोटा किंग, छोटा किंग। हैं? तो किंग नहीं है, किंग कॉन्ग लग रहा है। किंग कॉन्ग। नहीं नहीं मैं सच्ची में छोटा किंग। मेरे पास तो पूरी सेना भी है, मेरे पास तो हाथी घोड़ा वजीर ऊंट सब है। आपके पास ये सब है? कहाँ है? है ना चेस बोर्ड पे, चेस बोर्ड पे। मोहे शौकी। आज चोरी नहीं, आज चोरी नहीं। हाँ किसी और पहले नहीं। बालवीर, बालवीर। अरे नटखट परे आप यहाँ? हाँ बालवीर, जिस जन्मदिन के जश्न को हम सब ने मिलकर इतना खास बनाया है उसे देखना तो बनता है ना। अरे एक मिनट, वो सब तो ठीक है, लेकिन बर्थडे गर्ल सलोनी कहाँ पर है? हाँ सलोनी, बर्थडे मैं यहाँ हूँ। वो रही सलोनी। बिना पंख के भी मेरी सलोनी एकदम परी जैसी लग रही है। यही वो रानी परी का जादुई तोहफा होगा। हाँ?